मुझे इस वीडियो में आप लोगों को इस समझा ये समझाना है कि जो वेस्ट वाटर होता है उसका ड्रेनेज किस तरीके से किया जाता है। इंडिया में जनरली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया हमें देखने को मिलेगा कि ड्रेनेज सिस्टम में जो मेन रोड होती है, जैसे ये मेन रोड है, उसके दोनों साइड में यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ऐसे किया जाता है। बट आपको मैं बता दूँ, वो ड्रेनेज सिस्टम एक तरीके से यहाँ पे ऊपर से ढका जाता है। बट अगर वो बट आप देखोगे कि बहुत सारे प्लेसेस में ये सिस्टम पूरी तरीके से ढका नहीं होता है, क्योंकि इसको ढकने के लिए जनरली वो सीमेंट के ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। शायद कोई लिमिटेशंस हो उनकी, या उनके पास सफिशिएंट ब्लॉक्स ना हो, या जो भी उनके लिमिटेशंस है, इस वजह से ये ड्रेनेज ऐसे ओपन रहते हैं और बीच में से गाड़ियाँ जाने के लिए ये रोड ऐसे इस तरीके से बना रहता है। और इस साइड में शॉप्स लगी होती है जनरली। तो क्या होता है कि ये शॉप्स में से अगर किसी ने कुछ लिया तो वो खाते खाते आता है, रोड से आता है या ऐसे आता है, तो वो यहाँ पे ये चीज़ें कचरा डालता है। तो ये ड्रेनेज में फिर इस वजह से क्या होता है, ये सिस्टम लॉक हो जाता है, यहाँ से प्रॉपर ड्रेनेज का फ्लो नहीं हो पाता। तो और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कोई भी जनरली रास्ते में से भी गाड़ियाँ अगर जाती है तो वो लोग यहाँ पे रास्ते पे ही अपना कचरा डालते हैं। जहाँ पे किसी का आसपास घर है तो ये लोग भी यहाँ पे कचरा डालते हैं। तो इस तरीके से टोटल जो कचरा आता है, मेनली प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक हो या इवन पेपर भी हो, तो वो जनरली डिग्रेड नहीं होता है। तो ये सब इस ड्रेनेज में आ जाता है, ड्रेनेज लाइन में आ जाता है, और इस वजह से जो पानी का ड्रेनेज होता है वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें प्लास्टिक मेनली ब्लॉक कर देता है। और आपको पता है प्लास्टिक डिग्रेड होने में बहुत टाइम लगता है। तो तो मेरा ये सजेशन है कि अगर ये दोनों साइड्स जो है इसको हम प्रॉपर लॉक करके, इसके ऊपर कवर करके, और लोग, ये भी मैंने देखा है कि ये जो शॉप्स होती है ये यहाँ तक कवर कर लेती है ये पूरा एरिया। तो मेरा ये सजेशन है कि यहाँ पे आप इस सिस्टम को इस तरीके से पूरा लॉक करो। पहले तो यहाँ पे ये पूरा लॉक करो इसके ऊपर, और ये रास्ता जो रहेगा ये प्रॉपर एक स्पेस जो पैदल चलने वाले लोग हैं इनके लिए ये खुला रखो। बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी शॉप का या किसी का भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ आपको, तो यहाँ पे जो रोड पे ये ट्रैफिक है ये कम हो जाएगा, लोगों को इजीली चलने के लिए एक रोड मिल जाएगा जो वॉक करना चाहते हैं या जनरली भी, तो ये इस तरीके से ये मैनेज किया जा सकता है। और फिर अगर शॉप्स को ओपन करना भी है तो ये स्पेस यहाँ से शुरू होनी चाहिए एक्चुअली। तो इस तरीके से ये रोड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, ये सीवेज भी कंट्रोल होगा। तो ओवरऑल इस तरीके से रोड्स का, सीवेज का, शॉप्स का, और पैदल चलने वाले लोगों का, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो सकता है। क्योंकि अगर ये ड्रेनेज भर गया और पानी यहाँ से नहीं प्रॉपर बह पाया, अगर बारिश होती है तो यहाँ से पानी अगर नहीं जाता है तो ये पानी ये रास्तों पे आ जाता है। इसी वजह से प्रॉपर हम देखते हैं कि टीवी में जब न्यूज़ में आता है कि बहुत ज़्यादा पानी रोड पे आ गया और उस वजह से वो गाड़ियाँ तक बह जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस चीज़ से सॉल्व हो जाएंगी।